जिन्होंने आलोचित बाबा की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ अपना चैनल के माध्यम से आप अपने फेसबुक और यूट्यूब पर, आप व्हाट्सएप पर लिंक के माध्यम से ये देख सकेंगे। इसकी पूरी एक घंटे की ये मूवी आपके द्वारा बनाई गई है, आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप पर ये लिंक भेज देंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में पहुंची है विशेष अतिथि के रूप में सारे कामों का फेम गायिका और समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती सोनिया आनंद जी। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए भी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इसके बाद हम यहाँ पर कालेश्वर बाबा का जो यहाँ पर उसका चित्र का यहाँ पर मोचन करेंगे। आप भी मंच पर आएंगे, श्रीमान अशोक चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप उनको मंच पर लेकर आए ताकि चित्र का यहाँ पर पदार्पण किया जा सके। साथ ही में मैं निवेदन करूंगा शांतनु से श्रीमती माहेश्वरी देवी, श्रीमती दुर्गा बेन जी आप भी आएंगे और क्योंकि आप उनकी माता जी हैं। संस्कृति के लिए काम करते आए हैं, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एसपीएस नेगी जी हमारे बीच में है जो कि हमारे उत्तराखंड फिल्म परिषद के अध्यक्ष हैं, और राजू रावत जी देखो मुझसे क्या निकल गया भाई बनने वाले आप और एडिटिंग का जो संकलन का जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे परिपक्व व्यक्तित्व है देवली जी, कोतवाली में इंस्पेक्टर है लेकिन हमारे मित्र भी हैं और फिल्म के नायक भी रहे हैं राजू भाई, क्या क्या परिचय दूं मैं आपका भी और बलदेव राणा जी एक ऐसे व्यक्तित्व है दोस्तों जिनके बिना उत्तराखंडी फिल्मों में अभिनय, एक ऐसे अभिनेता है उत्तराखंड में कि जिनके बिना फिल्म अधूरी सी लगती है, कोई भी फिल्म हो बिना अगर वो नहीं है उस फिल्म में तो वो फिल्म अधूरी सी लगती है। तो धन्यवाद भाई आप भी आए दोस्तों। इसके साथ साथ कौन रहा, कुंडीर जी, सुंदर कुंडीर जी भी आए हैं गोपाल गेट से, भट्टाचार्य दादाजी हैं, पैनोली जी के बारे में आप आते हैं, सोनू निगम सिंगर के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, उनके मौसा जी हैं पैनोली जी, और अनुज गुप्ता जी यहाँ पे बड़ी गंगा अभी फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं,
गुरु गुप्ता जी और हमारे सबसे बड़े भाई इंडस्ट्री के सबसे बड़े भाई हैं गणेश बीरान जी। अभी अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक फिल्म देखी होगी मेजर निराला, उसके निर्देशक गणेश भाई थोड़े खड़े हो जाएंगे अभी। मेजर निराला के निर्देशक हैं जो रिसेंटली की सुपुत्री ने निर्माण किया जिस फिल्म का, या सिंगर को सम्मानित नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उनका हक है। लेकिन उसके साथ साथ और भी लगे हैं बहुत सारी फिल्म बनाने में जिन लोगों का सम्मान करना चाहिए सरकार को। तो दोस्तों मैं अपनी बात को लंबा नहीं करने में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सब लोग अपने बजट के लिए सहयोग करें, क्योंकि हर व्यक्ति सहयोग करेगा तभी किसी एक व्यक्ति, अगर आज मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए कर रहा हूं तो खाली मोदी जी के करने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को करने से होगा। हर व्यक्ति को सुधरने से देश सुधरेगा, मोदी जी के सुधरने से देश थोड़ी सुधर जाएगा, या एक मेरे अच्छे होने से सारा अच्छा मोदी का क्या होगा, कहीं सारे इलाके के लोगों को अच्छा होना पड़ेगा, उसके सब लोगों का सहयोग है। हम लोग देश प्रदेश हमारा तभी तरक्की करेगा जब हम सब लोग सहयोग देंगे। तो दोस्तों आज एक बहुत खुशी, मतलब लोग कम है लेकिन खुशी बहुत है, लोग कम है यहाँ पे दर्शक लेकिन खुशी बहुत है। खुशी इसलिए है कि बहुत बड़े बड़े भाई लोग मेरे आए यहाँ पे। दूसरा, मेरे 28-30 सालों के कैरियर में पहली बार मेरी माँ मेरे साथ स्टेज पर, जिस माँ के नाम से मैं ये मैक्सिम फिल्म्स ये काम करता आया हूँ वो माँ आज मेरे साथ स्टेज साझा की, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रति मिनट आप वहीं पर रुकेंगे जो कि जो मुझसे हो रही है। हमारे बीच में हमारी मामी जी भी है, मामी जी है श्रीमती शोभा चौहान जी, आप भी मंच पर आ जाएंगी। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी, क्योंकि परिवार खंड रहता है, कभी आदमी को दिल से काम करने का मजा भी आता है। और आपके बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अतिथि के रूप में सोनिया आनंद जी पहुंची है, आप सभी को यहाँ पर सम्मानित एक बार कर देंगी। और साथ में पैनोली जी आप भी आ जाएंगे, पैनोली जी मंच पर आप सम्मानित करेंगे आशु चौहान जी को माल्यार्पण यहाँ से। प्लीज, आपने एक ऐसा कार्य इस क्षेत्र के लिए किया है क्योंकि ये सभी लोग भक्त हैं इस क्षेत्र में कालूचे बाबा के। श्रीमती यहाँ पर सोनिया आनंद जी से निवेदन करूंगा, आप शोभा रावत जी का, शोभा चौहान जी सॉरी, जज्बात जो होते हैं वो बोलकर ही ठंडे किए जाते हैं। तो मैं आपके परिवार को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ, और साथ में ये बड़ा मुझे सबसे बड़ा हर्ष का विषय है कि पहले ये बीड़ा पेन्यूली जी ने उठाया था और उस पर काफ़ी टाइम तक काम किया, फिर SVS नेगी जी भी इस पर लगे रहे, लेकिन अब आप भाई साहब आए हैं और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि कहना बड़ा सरल होता है कि हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे कितना पेन है वो एक इंसान समझ सकता है जो उस कार्यक्रम से जुड़ा रहता है, जो उस कार्यक्रम को एंड तक निभाता है और जो उस कार्यक्रम के लिए सभी चीजें ऑर्गेनाइज करता है। मैं चाहती हूँ प्लीज जोरदार तालियां इनके पूरे परिवार के लिए, ताकि क्योंकि माता जी मेरे बीच में बैठी हुई हैं, आपसे मैं बहुत टाइम मैंने मेडिटेशन कैंप्स आपके ज्वाइन किए हैं। आपने बिल्कुल सही बात की, मैं एक सिंगर हूँ और समाज में मेरी भूमिका भी रहती है, जितना कर पाती हूँ करती हूँ, कोशिश ये रहती है कि समाज के लिए जीऊँ, और आगे का जीवन तो मैंने अपने समाज को समर्पित कर ही दिया है। लेकिन मैं एक उम्मीद आपसे जरूर करती हूँ कि जिस तरह से आपने एसोसिएशन बनाई है, मैं चाहती हूँ सब लोग एक साथ एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और अपनी इस बात को जरूर रखें कि थिएटर्स की जो प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में पेन्यूली जी आपने कई बार एक प्रॉब्लम उठाई है, कई बार नेगी जी ने प्रॉब्लम, हरीश रावत जी के समय पर आप लोगों ने कितना पेन लिया है ये मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और हमेशा हम लोग वहां पे जाते थे, लेकिन उस बात को सिर्फ सुना गया और परे रख दिया गया। लेकिन अब आप सब लोग एकजुट होकर के आप लोग जरूर वहां पे जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सरकार में ये काम हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है अगर आप सब लोग एकजुट होकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। और साथ ही में क्योंकि हमारे बीच में सभी हस्तियां बैठी हुई हैं, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, हम लोगों को लिरिक्स मिलते हैं तब हम लोग, धुन मिलती है तब हम लोग गाते हैं किसी भी चीज को। लता जी अगर ये बात मैं अंतर मन से कह रही हूँ कि आप लोग सच में, क्योंकि इतना पैसा लगा करके आप लोग
दम कर देते हैं वैसा। और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं कन्यूली जी, हम लोग तो फिर भी कुछ सक्षम हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास विचारों ने एक पिक्चर बनाई, उधारी लेकर के इससे लिया उससे लिया, और वो मूवी वो वहां तक नहीं दे पाई उसको पैसा वापस, और उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो घर बैठता है, वो उधारी चुकाने में उसका बहुत सारा समय निकल जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी घनानंद जी हमारे बीच में अभी उपाध्यक्ष बने हैं, कि आप ये चीज उनके सामने भी रखिए, क्योंकि हम सबको ये बीड़ा उठाना होगा। और आई एम विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ, एक छोटी बहन के रूप में, बहुत छोटी हूँ आपसे, आपसे बहुत कुछ सीखना है। और ये हिम्मत भी करती हूँ कि आप जाओगे वहां सोनिया आनंद जरूर होगी आपके साथ। उत्तराखंड की संस्कृति के लिए मैं सदैव समर्पित हूँ पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारे बीच में थापा जी बैठे हुए हैं, थापा जी मैं भूल गई, आप मेरे बहुत पुराने चलपाती, और मैं इस ईश्वर से भगवत भी करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हे भगवान, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको धनवान बनाए, उनको गुणवान बनाए, उनको काम करने की शक्ति प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बहुत धन्यवाद जी, आपने बताया है, क्योंकि एक निर्माता निर्देशक का जो समय होता है वह अधिकतर बाहर ही गुजरता है, तो परिवार की परिस्थिति में देखना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, उसके लिए आप बहुत संघर्ष करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पभूज उनकी पत्नी श्रीमती शोभा चौहान जी को आप यहाँ पर भेंट कर उनको सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी परिवार के लोगों के साथ आप यहां पर पहुंचे, सभी का धन्यवाद।